किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी, घर का सारा काम भी करती थी। लेकिन अमावस्या का पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगता था। वह कभी भी न तो कोई पूजा करती, न ही कोई घर का काम करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। राजा रानी का व्यवहार भी पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को तो चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों से भी प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमाशी को नहीं करते थे। धीरे धीरे समय निकलता है, राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। अब बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। फिर सभी लोग राजा से कहते हैं कि इनका भी विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ विवाह तो करना है। फिर रानी ने राजा से कहा, पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन और कहानियों में इसका मन लगता है, पूजा पाठ करना भी इसे अच्छा लगता है। अगर यह किसी बड़े घराने में चली गई तो वहाँ यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर देंगे। राजा ने कहा ठीक है, और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगा। और अंत में एक गरीब और बहुत ही साधारण घर में राजा ने पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज अमावस्या भी तो शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए, दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर देंगे। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, अब देखते हैं कि ये पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ वाली बनती है, इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती, उनसे अपने काम कराती, इसलिए अमावस्या के प्रति भाभियों का ज्यादा स्नेह नहीं था। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। सबको बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन ने अपने घर शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं जाओगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं है, तो मैं कैसे चली जाऊं? तो गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यह तो पूजा पाठ का काम है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम मेरे घर कैसे आ गई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय माता की सेवा करना और काम करना गलत है? भगवान अब तो मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करने लगी। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद के वापस आ गई। वह रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से ही मिलकर आ जाऊं। वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो?
तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत अच्छे तरीके से चबूतरे को धोया, तुलसी में जल दिया और तुलसी की पूजा की। उसने बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो क्या मैं जाऊं? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी और कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ। और उसे खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन तुम अपने मायके से लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ, और वह आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला, वहां भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, वे और कोई नहीं स्वयं शिव भगवान थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना, मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी बाबा के सारे काम कर दिए और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? तो पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी जहाँ सब पूजा पाठ करके तो चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की और उसने काली माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उसके हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली, वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी और वह और कोई नहीं स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बता दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान करके तो चले जाते हैं लेकिन कोई सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहां की भी साफ सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देने लगती हैं। फिर वह एक नाव में बैठकर नदी के उस पार चली जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं, वो फूलों की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। उसके भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। फिर सब खूब बातें करने लगते हैं। सुबह जब ननद जाने को तैयार होती है तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, नंद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आई हो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं तभी आ जाऊंगी। और फिर पूर्णिमा ने खुश होकर वह लाल साड़ी पहन ली और श्रृंगार भी किया। भाभियों ने थैला भरकर उसे धन और गहने दिए। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में फिर वही नदी मिली और नाव में बैठकर वह नदी के दूसरे पार आ पहुंची तो वही बूढ़ी माँ मिली जो गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखती फिरूंगी, ये बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से चल दी। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला, वहां भी वही बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और अब उसके पास 3 थैले हो गए थे। वह कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला, वहां बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया, वह थैला लेकर आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला, उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने पीने की चीजें और कपड़े बच्चों को दिए तो बच्चे बहुत खुश हो गए। दूसरा थैला जो गंगा मैया ने दिया था उसे खोला तो उसमें
सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 सिंगार का सामान था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियाँ थी, धन संपत्ति सब कुछ था। पांचवा थैला तुलसी मैया का था। जब उसने उसे खोला तो उसमें चावल, गेहूं और हर तरीके का अनाज था। पूर्णिमा के घर अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति और भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने घर शिव चर्चा कराऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर अमावस्या ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन दौलत और वैभव कहाँ से हो गया? तो पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी, मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। और इस तरीके से एक एक करके पूर्णिमा ने सारी बातें अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, मैं भी अपने मायके जाऊंगी, तुम मुझे भी डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह एक चबूतरा धो दो, तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, जी गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उसने उनसे भी ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। और फिर गंगा मैया मिली और उनसे भी उसने ऐसा ही किया और उनका कोई काम नहीं किया। जब वह नाव में बैठी थी, नाव में कांटे थे, ये कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंची। जब उसे भाभियों ने देखा तो मुंह बना लिया, जे कहां से आ गई। अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह यहाँ क्यों आई है? चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने अमावस्या से कहा, आओ जीजी बैठो। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी अब हम चलते हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला भरकर सामान दिया था, मुझे कुछ नहीं? तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंचा देंगे। फिर अमावस्या चल दी तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को तो थैला भर कर दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है जाओ बेटी, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही भगवान शिव ने, काली माँ ने और तुलसी माता ने कह दिया। जब वे घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या सारे थैले खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो पूर्णिमा ने कहा, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों की मदद करती हूँ, तुमने तो भाभियों की मदद कभी नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा मैया को भी तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ और तुलसी माँ सबको ही तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे भी विधि बतलाओ जिससे मैं भी भगवान की भक्ति करके सब कुछ पा लूंगी। तो पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो 3 ही बातें हैं ज्ञान की, पहली सब पर दया करना, दूसरी चर्चा करना और तीसरी है 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो,
और हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। अमावस्या आपने घर गई और खूब पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से उसने मन ही मन माफी मांगी। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।